हेलो दोस्तों, मैं गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पथिक सारथी एक यात्रा में। दोस्तों, अभी मैं जहां रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये कैम्प्टी फॉल है। कैम्प्टी फॉल रोड से नीचे जाकर है। मैं रोड पर खड़ा होकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, ग्रीनरी फैली हुई है, क्योंकि मैं रेनी वेदर में गया। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के चार धामों में से एक यमुनोत्री धाम के दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वैसे तो मैंने अपनी यात्रा अपने होम टाउन बिजनौर से शुरू की थी, पर सीमित साधनों की वजह से मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कैम्प्टी फॉल से शुरू की, क्योंकि मेरे पास जो ऑफिस का कैमरा था उसमें एक ही मेमोरी कार्ड था और मैंने कोई एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड नहीं खरीदा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं जून 2010 में यमुनोत्री धाम गया तो मुझे पता ही नहीं था कि उसके 10 साल के बाद मैं अपना एक YouTube चैनल बनाकर उस पर ये वीडियो अपलोड करूँगा। सच तो यह है, उस समय जो मेरे पास फ़ोन था उसमें सिम भी नहीं डलता था, और तो और मैं बाइक से 350 किलोमीटर की राइडिंग बस एक हेलमेट के साथ की, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था आज जो बाइक राइडर्स सेफ्टी गार्ड्स यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। इवन मुझे बाइक के लिए एक्स्ट्रा क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर, किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं था जो मैं अपने पास एक्स्ट्रा रखता, इसीलिए मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया और सिर्फ एक हेलमेट और अपना एक ऑफिस कैम लेके मैं निकल गया घर से यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि सड़क पे ना के बराबर ट्रैफिक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ना तो सेल्फी स्टिक थी, ना बाइक में मोबाइल माउंट थे, ना मेरे पास हेलमेट माउंट थे, ना मेरे पास DSLR था, ना मेरे पास इवन एक मल्टीमीडिया फ़ोन था जिससे मैं इजीली कैप्चरिंग कर सकता कोई भी मोमेंट को। आप देख सकते हैं अभी जो पीछे से जीप आ रही है, उसे मैंने अपने एक हाथ से बाइक को हैंडल कर रखा है और एक हाथ से अपने कैमरे को मोमेंट दे रहा हूँ ताकि मैं वीडियो को अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। दोस्तों, मैंने मैक्सिमम ऑफ टाइम जब तक रिकॉर्डिंग करी है सिंगल हैंडेड बाइक राइड करी है और सिंगल हैंडेड मैंने कैमरा होल्ड करके वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, जबकि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया ये नहीं था कि मैं कभी आफ्टर 10 ईयर मैं कोई YouTube चैनल बना उस पर अपनी ये वीडियो को अपलोड करूँगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रेनी वेदर में यमुनोत्री धाम के लिए निकला था, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह वाटरफॉल, जगह जगह लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा थी। ये वही जीप है जिसे मैंने भी लास्ट कुछ मिनटों पहले कैप्चर करा था, और JCB खड़ी है उधर इसे निकालने के लिए, कोशिश कर रहे हैं लोग। ये पूरा का पूरा एरिया बह के पानी के साथ नीचे चला गया था। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। बस आपको ये ध्यान रखना, आप कभी भी यमुनोत्री गंगोत्री, खास करके यमुनोत्री गंगोत्री रेनी वेदर में ना जाएं कभी भी। जून, जुलाई, अगस्त बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, बहुत ज़्यादा कच्चे पहाड़ हैं वहाँ। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी आप बहुत अच्छे से ट्रैवलिंग कर सकें, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री में इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है कि वो रास्ते जून, जुलाई, अगस्त के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। दोस्तों, मैं पहली बार अपने घर से इतनी लंबी ट्रैवलिंग के लिए अकेला घर से निकला था। मन में थोड़ा डर था, पर मैं निकल गया। ये ज़्यादा बारिश होने के कारण ये दूसरा वाटरफॉल है जो सड़क पे है, जिससे कि हमारे सड़क पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिससे हमें ट्रैवलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम रेनी वेदर में पहाड़ों पर यात्रा करने से बचना है, ख़ास करके गंगोत्री यमुनोत्री। ये दोस्तों यमुनोत्री का 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा मार्ग है, जो आप पैदल चलकर, घोड़े खच्चर पर बैठकर या पालकी पर बैठकर
पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मार्ग है, थोड़ी चढ़ाई कठिन है लेकिन बहुत अच्छा मार्ग है दोस्तों। ये मंदिर का एंट्री गेट है, यहाँ से आप सामने मंदिर देख सकते हैं और ऊपर से जो पानी आ रहा है वो यमुना जी का पानी आ रहा है। ये दोस्तों सूर्य कुंड है। यहाँ कपड़े की पुटलिया में चावल बांध कर उन्हें अंदर डाला जाता है जब तक वो बॉयल ना हो जाए, जब तक वो उबल के बंद ना जाए, फिर उसी का प्रसाद चढ़ के उसी को हम ग्रहण प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जो उस कुंड का सूर्य कुंड का ओवरफ्लो वाटर है वो एक नीचे कुंड बनाकर उसमें डाला जाता है पानी को। और इस कुंड की मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से आपके जितने भी स्किन प्रॉब्लम है, चर्म रोग हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इस कुंड में नहाने के बाद शरीर की सारी थकान जितनी ट्रैवलिंग करी मैंने, सब कुछ ख़त्म हो गई। बहुत फ्रेश फील कर रहा था। ये यमुना जी का मंदिर परिसर है। यहाँ बहुत 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 ज़्यादा फॉग था। इवन मैं जब कुंड के पास गया तो मेरे स्पेक्स पे भी फॉग जम गया। यहाँ यमुना जी का मंदिर है, ये सामने यमुना जी का मंदिर, और दोस्तों मेरे फेस के सामने गंगा जी का मंदिर है। ये यमुना जी साक्षात आप देख सकते हैं, इनका फ्लो इतनी तेज है कि मुझे इस अपनी वीडियो में वॉइस को कम करना पड़ा। दोस्तों ये सामने जिस पैदल मार्ग से हम आए थे वही सामने, ये सामने आप देख रहे हैं पैदल मार्ग है, इसी से हम वापस अब अपने गंतव्य की ओर नीचे की ओर चल देंगे। बहुत सुंदर मार्ग है पैदल यात्रा करने के लिए 6 किलोमीटर का, लेकिन आपको थकान हो सकती है क्योंकि थोड़ी कहीं कहीं चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है। पहाड़ों से आप देख रहे हैं, पहाड़ों की ओट में बना हुआ रास्ता है। दोनों तरफ आमने सामने बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, और मैं रेनी वेदर में गया था तो चारों तरफ गिरी थी पहाड़ों पर फिसलन चिकनाहट, आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है, पहाड़ों पर ऐसे पानी टपक रहा है। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि मैं रेनी वेदर में गया था, तो लौटते हुए थोड़ी उमस ज़्यादा हो गई थी जिसके कारण थोड़ा गर्मी का एहसास ज़्यादा होने लगा था। पर दोस्तों कुल मिलाकर पैदल मार्ग बहुत सुंदर है। दोस्तों लौटते हुए फिर बारिश और लैंडस्लाइड से सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा मुझे। आप सड़क की हालत देख सकते हैं, सड़क बह रही है, सड़क पे पानी कीचड़, फोर व्हीलर तक कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। मैं टू व्हीलर पर एक साइड में रोक के खड़ा था ताकि थोड़ा सा राहत मिले तो मैं अपनी बाइक लेके आगे बढ़ूँ। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड थी। थोड़ा यहाँ से क्रॉस करने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो वहाँ बारिश तो पहले हो चुकी थी लेकिन लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं ट्रैफिक रुका हुआ है चारों तरफ, और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से मैं आपको यमुना जी की गहराई दिखाता हूँ। ये वही यमुना जी हैं जो ऊपर यमुना मंदिर से आ रही है। इन्होंने यहाँ कितना विशालकाय रूप ले लिया है। दोस्तों लैंडस्लाइड कहीं भी कभी भी गंगोत्री यमुनोत्री के मार्ग में रेनी वेदर में कभी भी हो सकती है, तो आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप कभी भी गंगोत्री यमुनोत्री जाएं तो रेनी वेदर से पहले या रेनी वेदर के बाद जाएं। तो दोस्तों अब मैं आपको यमुना जी के दर्शन, विशालकाय दर्शन आपको बड़कोट में दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर वादियाँ यमुना जी का विशालकाय रूप देखने को मुझे यहाँ मिला। मन अंदर से प्रफुल्लित, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित था। दोस्तों ये वो जगह थी शायद जिस सुकून के लिए मैं अपने घर से बिना सोचे कुछ समझे निकल गया था, वो मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा था। चारों तरफ प्रकृति 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 ही प्रकृति थी, केवल आप और आप प्रकृति के संपर्क में थे बस। दोस्तों मेरे पास एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड ना होने के कारण मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहीं तक कर पाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।